everyone, this is Shweta Sood from Affinity Education. Hello guys, this side Pranay from Affinity Education. So आज हमने ये discussion रखा है, like अभी आपको भी पता है 12th का exam cancel हो चुका है, almost सभी board ने exam cancel कर दिया है, तो student waiting में है result के, और अभी student worried है अपने after result like अपने MBBS admission के लिए, तो आज हम उसी चीज़ पे discussion करने वाले हैं। काफ़ी queries आई हैं हमारे पास students की, जिन लोगों ने college देखना शुरू कर दिया है, तो उसके रिगार्डिंग ही फ्रेंड्स आज हमने एक सेशन रखा है, जो कि जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने हमसे पूछे हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, हम आज उसका कुछ कॉमन क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हैं जिसका हम आंसर्स करेंगे और आपके सारे सॉल्यूशंस कोशिश करेंगे कि हम आपको तक पहुंचा सकें। राइट, जैसे कि काफ़ी क्वेश्चंस हमारे पास लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम सारे कमेंट्स आप तक नहीं पहुंचा सकते, बट कुछ सिमिलर्स ऐसे क्वेश्चंस हैं, कॉमन क्वेश्चंस हैं, कॉमेंट्स हैं जो स्टूडेंट के लिए मतलब बेनिफिट रहेंगे काफ़ी, और आपके पास काफ़ी नॉलेज में मिलेगी उनसे आपको। सो हम शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस आप देखिए। सो प्रणय सर, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, श्रुति सक्सेना फ्रॉम अलीगढ़ फेसबुक पेज पे इन्होंने क्वेश्चन किया है, सर कबाड़दीनों और कजान फेडरल यूनिवर्सिटी में से कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है फॉर MBBS? तो आपको क्या लगता है इसके लिए? एक्चुअली श्रुति, पहली बात तो आप कम से कम अपने आप को लकी मानिए कि आप एक ही कंट्री देख रहे हो। हमारे पास तो काफ़ी क्वेरीज आती हैं स्टूडेंट की, जिसमें वो कंफ्यूज रहते हैं अदर अदर कंट्रीज़ को लेकर, कॉलेजेस को लेकर, या इंडिया से कंपेयर करना चाहते हैं किसी भी कंट्रीज़ को। तो लकीली आपके पास दो सेम ही कंट्री के ऑप्शंस आप देख रहे हो, कबाड़दीनों बल्गेरियन और कजान फेडरल यूनिवर्सिटी। एक्चुअली देखिए श्रुति, क्या है ना कि ये कॉलेजेस में आप कंपेयर नहीं कर सकते। कजान एक प्रॉपर एक फेडरल यूनिवर्सिटी है जो वहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट को चलाती है, एंड आपका कबाड़दीनों बल्गेरियन एक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है, एंड दोनों में ना काफ़ी डिसिमिलैरिटीज़ हैं। आप फीस को भी लेकर आप देखेंगे कि फीस एक का बजट आपको 14-15 लाख के आसपास का जाता है, ठीक है, एक उसकी आपको टोटल जो आपकी ट्यूशन फीस है वो 14-15 लाख है। वहीं आप अगर कजान फेडरल को देखते हो तो आपकी जो फीस है वो 30 लाख तक का मूव होता है फीस में, तो ये फीस का काफ़ी डिफरेंशिएशन है इसके बीच में। बट बच्चे क्या हैं, देखिए श्रुति क्या होता है ना कि कुछ बच्चे हैं जो कि प्रेफर करते हैं कुछ नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में जाना, कुछ करते हैं जिनका बजट कम होता है वो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाना, तो इससे पढ़ाई पे कोई इफेक्ट नहीं होता, बट कॉलेज को आप कंपेयर नहीं कर सकते। एक काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उनमें सारे कोर्सेज पढ़ाई होते हैं जो कजान फेडरल, और एक आपकी कबाड़दीनों बल्गेरियन जो मेडिकल के लिए काफ़ी फेमस है, इंडिया के काफ़ी बच्चे वहाँ पर जाते हैं, तो आप बेसिकली दोनों जगह ही कर सकते हो। डिपेंड्स अपॉन योर बजट, आप कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हो, आपको शहर कैसा चाहिए, कॉलेज दोनों ही अच्छे हैं। आई थिंक कनेक्टिविटी का भी डिफरेंसेस है। हाँ, कनेक्टिविटी का बेसिकली क्या है कि कजान थोड़ा सा आपको मॉस्क के पास मिल जाता है, तो आपको वहाँ से कनेक्टिविटी इजी हो जाती है, बड़ा शहर है, लोग वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, आपको मेस के, इंडियन मेस एंड हॉस्टल के ऑप्शन ज़्यादा मिल जाते हैं, ये चीज़ आपको थोड़े कम मिल सकते हैं। बट इंडियंस देखिए, इंडियन क्यों वहाँ पर जा रहे हैं, इसका भी बेसिक रीज़न यही है कि वो उतना पैसा नहीं खर्च करना चाहते, वो इंडिया में इतना महंगा है, तो वो उस चीज़ को भी देखेंगे, तो कबाड़दीनों भी काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं, तो ये आप दोनों ही चूज़ कर सकते हैं श्रुति, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना बजट डिसाइड कर लीजिए, और अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी इशू हो तो हमारा नंबर हमारे स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, आप उस पर कॉल करके कभी भी हमारे काउंसलर से कनेक्ट हो सकते हैं। या एनी टाइम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन मैम अभिषेक शर्मा जी का है, दिल्ली से, हमारे फेसबुक पर उनका एक क्वेश्चन है, Which country is best for MBBS? ये बहुत ही common question जो students में होता है। Exactly, काफी ये mostly सभी starting में जब भी आप counselling के लिए जाते हो अपने, या फिर आप ये decide करते हो कि आपको abroad में जाना है, तो पहला question student के पास यही आता है कि कौन सी country best है उनके MBBS के लिए। So अभिषेक, ये depend करता है student पर कि आपको कैसी university चाहिए, आपको कैसी country चाहिए, आपकी needs क्या है, क्योंकि क्या होता है देखो, दो से तीन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी एलिजिबिलिटी क्या है, हम कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं। सेकंड थिंग ये है कि लाइक आपका जो है बजट कितना है, क्योंकि आप देखोगे यूनिवर्सिटी सेम बजट की नहीं होती है, सबकी सेम फीस नहीं होती है, किसी की आपको लाइक $4,000 है, किसी की $5,000 है, तो अकॉर्डिंग टू योर बजट आपका मतलब उस अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर पाओगे। थर्ड ये आता है कि आपकी नीड्स क्या है, आपको कैसा कॉलेज चाहिए, आपको कैसा वेदर चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों का ये भी रहता है कि वो ज़्यादा ठंड में वेदर का इशू रहता है, वो नहीं रह पाते, तो ये सब नीड्स आपकी क्या क्या है वो देखनी पड़ती है। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है उसके अकॉर्डिंग आप एक बेस्ट यूनिवर्सिटी हम लोग आपको सजेस्ट कर देते हैं।
बेसिकली मैम मेरे को भी ये भी लगता है कि कॉलेज क्या है ना अभिषेक, देखिए कॉलेज में ना आपके पास हर कंट्री में कुछ अच्छे कॉलेजेस होते हैं, कुछ ख़राब कॉलेजेस होते हैं, तो आप ऐसे स्पेसिफिक नहीं बोल सकते कि कौन सी कंट्री बेटर है। इसमें क्या होता है ना कि वही हमारा हेल्प हम आपको करते हैं, इसी में आपके काउंसलर का पार्ट आता है कि आपको यूनिवर्सिटी ऐसी चूज़ कराई जाए, उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिस पे हम यूनिवर्सिटी डिसाइड करते हैं, लाइक यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, वो शहर कैसा है, मेजर मेट्रोपॉलिटन शहर है कि नहीं, इंडियन मेस हॉस्टल वहाँ पे है, इंडियन बच्चे कितने हैं, इंग्लिश मीडियम है कि नहीं, तो ये सब पैरामीटर्स हैं। इससे इसीलिए आपको हम एडवाइस करते हैं कि आप एक अच्छे काउंसलर को अपने पास एक रखिए जो कि आपको बता सके उसके बारे में और आपको सॉर्ट करके दे सके कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस आपको कैसे चूज़ करने और कंट्री आपको कैसे चूज़ करनी है, वो डिपेंड करता है। हर कंट्री में कुछ अच्छे कॉलेज खराब कॉलेजेस होते हैं, तो आप ऐसा, ये कॉमन क्वेश्चन होता है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, कुछ पैरामीटर्स पे अगर आप जज करेंगे तो कॉलेजेस आपको हर कंट्री में कुछ अच्छे भी मिलेंगे और कुछ खराब भी मिलेंगे, उस खराब से हमें बचना है और अच्छे की तरफ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष का फ्रॉम इंदौर, जो इंदौर से है, उन्होंने हमारे इंस्टाग्राम में कमेंट किया है, एमसीआई और एनएमसी क्या है, नेक्स्ट एग्जाम कब से हमें देना होगा। क्या नाम है बच्चे का? आयुष। आयुष देखिए बेसिकली क्या है ना कि आज से एक साल पहले तक हमारी जो बॉडी, पूरे जो मेडिकल काउंसिल, हमारा मेडिकल सिस्टम को जिसको वो रेगुलेट करती थी ना, उसका नाम है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेट इज़ एमसीआई, ठीक है। बट अभी उसमें काफ़ी करप्शन और काफ़ी चीज़ें हुई ऐसी जो कि नहीं होनी चाहिए थी, तो गवर्नमेंट ने उसको रिवाइव किया है, ठीक है। तो उसकी जगह पे उन्होंने एक नई बॉडी बनाई है जिसका नाम है एनएमसी। बॉडी का काम सेम है, वो रेगुलेशन बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी ही है सबके लिए, सारे कॉलेजेस को रेगुलेट करती है इन इंडिया, एफिलिएट करती है फॉर ऑल अब्रॉड कॉलेजेस। तो वो उस बॉडी का नाम उन्होंने चेंज करके एक नई बॉडी बनाई है एनएमसी, और इस एनएमसी बॉडी ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है फॉर एग्जिट टेस्ट, जस्ट लाइक नीट जैसे आप एंट्री के लिए देते हो, वैसे सारे स्टूडेंट्स के लिए, आइदर दे आर स्टडिंग फ्रॉम इंडिया और दे आर स्टडिंग फ्रॉम अब्रॉड, उनको प्रॉपर एक एग्जिट टेस्ट भी देना होगा फॉर पीजी एग्जामिनेशंस एंड फॉर द लाइसेंस ऑल्सो। तो उसके लिए ना उन्होंने एक पैटर्न तैयार किया है, उसको एग्जाम को बोलते हैं नेक्स्ट, डेट इज़ नेशनल एग्जिट टेस्ट। तो बस नेक्स्ट वही है और वो 2022 से हमारा स्टार्ट होने वाला है। अगर ये, अगर हमारा कोरोना पीरियड अभी थोड़ा सा अगर और चलता है तो वो हो सकता है मे बी 2023 से स्टार्ट हो, बट इसके बीच में ये नेक्स्ट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये बिल हमारे दोनों पार्लियामेंट हाउस से पास हो चुका है और अभी भी प्रोसेस में है, कुछ दिन में इसकी डिज़ाइन हमारे सामने आ जाएगी। तो आयुष आप प्रॉपर देख सकते हैं, नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, एक कॉमन एग्जाम है जिससे आपको लाइसेंस मिलता है, पहले वो सिर्फ फॉरेन के लिए होता था, आज की डेट में उनको सबको देना है। तो ये एक अपने दिमाग से आप सभी, जो मैं बोलूँगा जो सभी हमारे अब्रॉड के बच्चे हैं या पहले उनको लगता था कि अब्रॉड जाने के बाद उनको ये दिक्कतें आती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट खुद इस चीज़ को मान रही है, गवर्नमेंट इस चीज़ को कर रही है कि वो जो बाहर से बच्चे पढ़ के आ रहे हैं वो इंडिया के इक्विवेलेंट हो। गवर्नमेंट काफ़ी ड्राफ्ट भी निकाल रही है, काफ़ी ड्राफ्ट, अभी आपने देखा होगा कि नेक्स्ट का एक ड्राफ्ट आया है, कैसे उनको करना है, कैसे एग्जाम में करना है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, नेक्स्ट वन नेक्स्ट टू दो पार्ट में होगा, ये सब चीज़ें अभी अंडर कंसिडरेशन है, अभी इसमें कोई फाइनलाइज नहीं हुआ है, अभी इस पर ड्राफ्ट है, बाद में ये बिल बनेगा, सारी चीज़ें होंगी तो उसके बाद ही फाइनली हम इस पर डिसाइड करेंगे। बट अभी तक जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, जो गवर्नमेंट अभी तक हमने गवर्नमेंट ने हमें दी है, वो यही है कि सारे बच्चों को नेक्स्ट देना है, चाहे वो कहीं से भी पढ़ के आए, इंडिया से या अब्रॉड से। अब कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन अब्रॉड स्टूडेंट के साथ नहीं होगा। मतलब एक अच्छी चीज़ कर दी, एक पार्शियलिटी खत्म कर दी है, इक्वल स्लैब बना दिया है। ईयर बाय ईयर पार्शियलिटी खत्म हो रही है, पहले नीट विदाउट था, आज की डेट में नीट कंपलसरी है, उन्होंने कुछ कंट्रीज के उन्होंने इंटर्नशिप को वैलिड किया। तो पहले जो FMG जो हमारा पासिंग रेशियो कम होता था, वो देखिए बढ़ रहा है अकॉर्डिंगली, क्योंकि पहले विदाउट नीट क्वालिफाइंग स्टूडेंट जाते थे, आज की डेट में नीट मैंडेटरी है। तो गवर्नमेंट भी ये चीज़ रियलाइज कर रही है कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर थोड़ा कमी है, तो अब्रॉड के लिए थोड़ा पुश कर रहा है बच्चों को इस तरीके से। काफ़ी अच्छी चीज़ है, लाइक MBBS जो इंडिया से कर रहे हैं उनके लिए भी, अब्रॉड से जो कर रहे हैं उनके लिए भी, तो एक कॉमन स्लैब बन गया। हाँ, और इतना पे करना आप MBBS के लिए वे वर्थ नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है हमारे इंडिया में करोड़ों रुपए लग जाते हैं आपको, सॉरी MBBS करने में, बट यही चीज़ आपको अब्रॉड में जब कुछ कम में मिल रही है तो वो ज़्यादा बेटर है ना, आप उसको अपना पैसा सेव करके आगे फर्दर स्टडीज़ लाइक MD सुपर स्पेशलिटी उनके लिए भी लगा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है अब्रॉड लोगों के मूव करने का। बिल्कुल। नेक्स्ट कमेंट है यूट्यूब पे हमारी किसी एक वीडियो पे, स्वप्निल जोशी ने कमेंट किया है, जो महाराष्ट्र से है, नेवी मुंबई। यूक्रेन में सबसे ज़्यादा बच्चे कौन सी यूनिवर्सिटी जाते हैं और एडमिशन प्रोसेस क्या है फॉर यूक्रेन? इसका आंसर आप देंगे मैम या? बिल्कुल।
स्वप्निल ने जैसे पूछा यूक्रेन में सबसे ज़्यादा बच्चे कौन सी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जैसे ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं कि रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, बट यूक्रेन में काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जिसमें मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट अभी तक स्टडी कर रहे हैं और काफ़ी स्टूडेंट पास आउट भी हैं, जो आप देखोगे मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट यूक्रेन से ही पास आउट हैं आपको मिलेंगे। एंड लाइक यूक्रेन की अगर बात की जाए तो खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें सबसे ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट एमबीबीएस के लिए जाते हैं। हर ईयर आप देखोगे कम से कम 700 के अराउंड इंटरनेशनल स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में जाते हैं। सो एंड सेकंड आपका है एडमिशन प्रोसेस क्या है, एडमिशन वो भी है मैम कि जो अगर आप यूक्रेन यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट का डेटा देखते हैं या एग्जैक्टली आप गवर्नमेंट की खुद की एक वेबसाइट है वो studyinukraine.eu है, आप उस पे कभी भी देख सकते हो, नीचे फ्लैश हो रही है, फ्लैश हो रही होगी आपको, आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे जाके आप उसमें देख सकते हैं, क्योंकि खारकिव और कीव वहाँ पे दो ही ऐसे मेजर सिटीज है जहाँ पे बच्चे प्रेफर करते हैं जाना। और खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसा मैम ने बताया वो मोस्ट डिमांडिंग यूनिवर्सिटी है फ्रॉम द साइड ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स, तो आप वो डेटा देख सकते हैं वहाँ पे प्रॉपर, वो यूक्रेनियन गवर्नमेंट का डेटा है कि कितने स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं। काफी बड़ी भी काफी है, बड़ी सिटी है। और वहाँ पे आप पहले खारकिव की कैपिटल हुआ करती थी, अब कीव है। और खारकिव नेशनल काफी पुरानी यूनिवर्सिटी भी है, 200 साल पुरानी यूनिवर्सिटी, 1805 स्टैब्लिश है, तो काफी बच्चे हैं इंडियंस वहाँ पे जो भी स्टडी कर रहे हैं। एंड आपका एक कमेंट और है, एडमिशन प्रोसेस क्या है यूक्रेन के लिए। सो स्वप्निल, एडमिशन प्रोसेस इज वेरी इजी, आपको कुछ नहीं करना होता, जस्ट आप ऑनलाइन अपना प्रोसेस भी स्टार्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको फिजिकली ऑफिस आना पड़ेगा, ऑफिस में आके आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, आपको फीस पे करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आप ऑनलाइन अपना प्रोसेस कर सकते हैं, आप स्कैन डॉक्यूमेंट्स हमें मेल कर सकते हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और योर नीट स्कोर, और आपका पासपोर्ट चाहिए होता है एडमिशन प्रोसेस के लिए। आपका फिर हम वो फॉरवर्ड करते हैं यूनिवर्सिटी में फॉर द एडमिशन लेटर, एंड आफ्टर दैट जब आपका एडमिशन लेटर आ जाता है तो वी अप्लाइंग फॉर इनविटेशन लेटर। इनविटेशन लेटर आने के बाद हम लोग आपका वीज़ा लगवा देते हैं, आपका वीज़ा आपको लाइक पूरे प्रोसेस में आपको 20-25 डेज लगते हैं अप्रॉक्सीमेटली और आपको वीज़ा आ जाता है, फिर आपकी एक डेट फिक्स हो जाती है जाने की, आपके टिकट भी आपको मिल जाती है। तो ये बहुत ईजी प्रोसेस है, प्री डिपार्चर लिस्ट हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाती है जिसमें की सारी डिटेलिंग होगी, प्रॉपर गाइड किया जाता है आपको एक एक चीज की, आप वहाँ पे जाओगे आपको क्या क्या चीजें कैरी करनी है अपने साथ, आपको लाइक वहाँ पे कौन मिलेगा, तो सब कुछ आपको ये बताया जाता है। या नेक्स्ट क्वेश्चन इज रश्मि गर्ग, ये यूट्यूब पे इन्होंने कमेंट किया है फ्रॉम उत्तराखंड। दैट्स ग्रेट। अब्रॉड में एमबीबीएस करना इट्स सेफ और नॉट, विच कंट्री इज सेफ फॉर गर्ल्स, ये तो मैं भी बता सकती हूं। या एग्जैक्टली रश्मि, गर्ल्स के लिए मैं आपको बताऊं तो इवन मैं खुद पर्सनली विजिट करती हूं यूनिवर्सिटीज़ में, कंट्रीज़ में, रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, फिलीपींस, हम लोग खुद पर्सनली विजिट करते हैं, इवन मैं भी गई हुई हूं, तो एज माय पर्सनल एक्सपीरियंस तो मुझे खुद को कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं वहां पे सेफ नहीं हूं। हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो बाहर की कंट्रियाँ ज़्यादा सेफ हैं, आप देखोगे मैं खुद जाती हूँ तो मुझे कभी ऐसा अनसेफ फील नहीं हुआ है। इवन कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो गर्ल डोमिनेट कंट्री होती है, वहाँ की जो मेजॉरिटी होती है वो 70% गर्ल्स की होती है, आप खुद जब तक आप खुद नहीं जाओगे आपको नहीं पता लगेगा कि सेफ है और नहीं सेफ है। तो इस चीज़ की श्योरिटी तो मैं भी आपको दे सकती हूँ कि अब्रॉड में कोई भी ऐसी लाइक यूक्रेन, जॉर्जिया, रशिया, किसी भी कंट्री में आप जाते हो तो कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है कि जहाँ पे आप सेफ फील ना करो। और आपको वहाँ पे प्रॉपर आप देखो पढ़ने के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का अपना हॉस्टल है, सिक्योरिटी सर्विस होती है, आपको ऐसा नहीं है कि आप कहीं बाहर रहते हो या पीजी में रहते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, आप यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहते हो उनके लिए प्रॉपर उनका एक्सेस कार्ड होता है, आप उस कार्ड से एक्सेस कर सकते हो, तो सारी सिक्योरिटी का भी वहाँ पे प्रॉपर इंतजाम किया जाता है, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स कहीं बाहर रहते हैं, उनके लिए प्रॉपर अपना एक फंक्शनिंग है यूनिवर्सिटी के हिसाब से वहाँ पे होता है। या और हमारे इंडिया से काफी रूल्स है वहाँ पर। छत्तीसगढ़ राहुल,
देखिए राहुल, बेसिकली क्या है ना कि रशिया यूक्रेन में पहले ये बच्चे जाते थे पढ़ने, आज की डेट में कुछ एशियन कंट्रीज़ भी हैं जिस जो इनवाइट करती हैं इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए, उसमें से एक मोस्ट प्रेफर्ड कंट्री है वो है फिलीपींस। ठीक है, हम जो आपको सजेस्ट करते हैं किसी भी कंट्री के लिए, ओनली नॉट फॉर फिलीपींस, कि आप कहीं भी जाओ तो सबसे पहले आप शहर देखो कैसा शहर है, वो शहर जो है वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन शहर है या कैपिटल है कि नहीं, डेंसिटी कैसी है पॉपुलेशन की। तो ये सब चीज़ें देखते हुए ना मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप फिलीपींस जाते हो तो आप मनीला में कुछ कॉलेजेस हैं जो अच्छे हैं, जिसमें मोर देन 4000 प्लस स्टूडेंट्स इंडियन वहाँ पे पढ़ते हैं फॉर मेडिकल कोर्स ओनली, अदर कोर्सेज तो और है ही उसके अलावा। तो एक यूनिवर्सिटी है आपके पास, यूनिवर्सिटी ऑफ परपिचुअल, अगर देखोगे तो मनीला में ही है, 15 किलोमीटर्स फ्रॉम द सेंट्रल एयरपोर्ट ऑफ मनीला, तो आप वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे 4000 प्लस इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, इंडियन हॉस्टल है, इन कैंपस हॉस्टल है, मेस है, सारी चीज़ें, जो फैसिलिटी है आपको इंग्लिश मीडियम है। तो फिलीपींस मोस्ट प्रेफर्ड है आपकी, आज की डेट में लोग थोड़ा पास हो जाता है फिलीपींस, एंड फिलीपींस इज आल्सो इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि आप रशिया और यूक्रेन में जाते हो तो आपको कहीं ना कहीं वो लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, क्योंकि आप फिफ्थ ईयर में जब प्रैक्टिकल के लिए जाते हो या फिर जब आप डायरेक्टली पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आते हो तो आपको उनकी लैंग्वेज में ही उनका समझना होगा। तो वो बात अलग है कि आप यूक्रेनियन और रशियन थोड़ी ईजी होती है, उसमें अल्फ़ाबेट्स कम होते हैं, हमारे इंग्लिश से भी कम होते हैं, बट फिलीपींस में ये प्रॉब्लम आपको नहीं आती, वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, आप डायरेक्टली वहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, एंड सबसे बड़ी बात वो इंडिया के पास है तो फ्लाइट ड्यूरेशन भी काफ़ी कम हो जाती है, तो ये चीज़ें हैं प्लस पॉइंट फिलीपींस के लिए। एंड अभी कुछ दिन पहले ये भी था, कुछ रूल था कि फिलीपींस में इंटर्नशिप भी वैलिड है, हाँ, इंडिया में एक इंक्रीज हुआ था, हाँ, तो फिलीपींस की इंटर्नशिप भी इंडिया में वैलिड थी, तो ये सब प्लस पॉइंट हैं। तो आप उसमें जो कॉलेजेस पर आप ऐसा चूज करिए जो उनके सेंट्रल में हो, जो उनके कैपिटल में हो, एंड काफी अच्छा बेनिफिट भी है जो ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं हमारे बीएससी कर रहे हाँ, होते हैं। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट है ना, जिनको सीधे अब एमबीबीएस करना है, जिनकी बायो थी पहले उनके ट्वेल्थ में, तो वो भी सीधे वहाँ पे एमडी कोर्स में, फोर ईयर कोर्स में एनरोल होकर अपना एमबीबीएस कम्प्लीट कर सकते हैं, ईयर्स भी बच जाते हैं, एंड उनको जो उनका सपना रहता है जो पहले उन्होंने नहीं कंप्लीट किया वो भी कंप्लीट कर लेते हैं, वो प्रॉपर एमडी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अगर परपिचुअल के लिए देख रहे हैं अभिषेक, तो अगर आप फिलीपींस के लिए देख रहे हैं तो आप परपिचुअल कॉलेज ऑप्ट कर सकते हैं। इसका बजट आपको सारी, अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो जो हमारे नंबर स्क्रीन पे शो हो रहे हैं आप उस पे कॉल करिए, आपको सारी डिटेलिंग कॉलेज का वाइज आपको कैसे उसको प्रेफर करना है, कौन सा आपका बजट का कॉलेज आपको मनीला में हम दे सकते हैं या फिर हम आपको एडवाइस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बता दी जाएंगी इन डिटेल्स एंड विद ऑल अदर मटेरियल्स दैट वी प्रोवाइडेड टू यू। या सो एक और क्वेश्चन है मेरे पास, आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉमेंट है, ये खुशी गुप्ता का है, बिहार से है, और इन्होंने हमारे लाइक इंस्टाग्राम एक वीडियो इन्होंने देखी थी तो उस पर इन्होंने कॉमेंट किया है। हमारे एक स्टूडेंट गया था लाइक, उसका नाम था ऋषभ, जिनका नीट में 575 कुछ स्कोर था, तो उसी वीडियो पे इन्होंने कमेंट किया है, आई गॉट 580 मार्क्स इन नीट 2020 बट आई डिड नॉट गेट एनी कॉलेज इन इंडिया, बट नाउ आई एम लुकिंग फॉर अब्रॉड, शुड आई गिव नीट इन दिस ईयर ऑल्सो। पहली बात तो खुशी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके नंबर काफ़ी अच्छे हैं, 580 मार्क्स इज रियली गुड मार्क्स, ठीक है, एंड ये देखिए आपकी गलती नहीं है, आपके फ्रेंड्स होंगे जिनको कुछ 610 मार्क्स भी आए होंगे, उनको इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज मिला होगा, आपको नहीं मिला, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कंपटीशन ही इतना ज़्यादा है कि लोग इसी को सब चीज़ मान लेते हैं एमबीबीएस में, गवर्नमेंट सीट्स भी नहीं, सीट्स भी नहीं हमारे पास, 83,000 सीट्स हैं और 800,000 बच्चे क्वालिफाई करते हैं नीट को, तो हाँ श्योरली आप उसको अब्रॉड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो खुशी, ठीक है, बट आप एक चीज़ देखिएगा कि क्या होता है ना कि आप अगर आपको यहाँ पे अगर आपने को प्रॉपर का आपको प्राइवेट कॉलेज मिल रहा होगा तो प्राइवेट कॉलेज का जो बजट है वो आप 50-60 लाख रुपए आपको जा रहे होंगे, बट आपको जो अब्रॉड में ना जो कॉलेजेस आप चूज़ करोगे कंट्री वाइज आपको 20-25 लाख में वो कॉलेजेस मिल जाएंगे, आप अपने एमबीबीएस को परस्यू कर सकते हैं। और जो सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि नीट क्या आपको 2021 में देना होगा, अगर आपने 220 में दे रखा है, देखिए खुशी अब्रॉड स्टूडेंट्स के लिए 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स नीट कंपलसरी नहीं है, आप एक बार अगर आपने नीट दे दिया तो लगातार 3 साल आप उस मार्क्स पे बाहर जा सकते हैं पढ़ने के लिए, आपको बस वो स्कोर उस ईयर का सबमिट करना होगा, एज इन जैसे आपने 2020 में नीट दिया तो आप इसके लिए 2020, 21 एंड 22 आप तीनों ईयर्स में एलिजिबल रहोगे, तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपको लगता है तो आप अपना नंबर्स पे हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करा सकते हैं,
और आपकी जो भी डिटेल्स होंगी, आपको कोई नीट का एग्जाम देने की जरूरत नहीं, आपको सीट एडमिशन लेटर हमारे एंड से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। राइट, एंड काफी स्टूडेंट का एक ये भी रहता है कि विदाउट नीट वी कैन अप्लाई फॉर अब्रॉड और नॉट, बट अप्लाई तो कर सकते हैं, बट आप लोग इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो अगर आप बिना नीट के जाते हो, तो आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। एंड ये भी है कि अभी जैसे कोरोना है तो उसमें क्या होता है ना, डिले हो जाता है, कुछ कॉलेजेस फुल हो जाते हैं, जैसे अभी हम एडमिशन चल रहे हैं हमारे कजान फेडरल के, तो हमारे कुछ एप्लीकेशन ना कुछ जल्दी ओवर हो जाते हैं, जैसे कजान फेडरल अगस्त तक खत्म हो जाते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं ना, सीट बुक, उनको पता तो है वो क्वालिफाई तो कर ही जाएंगे, तो बच्चे अपनी सीट बुक कर लेते हैं, क्योंकि वो कॉलेजेस अच्छे हैं, वो छूट ना जाए, तो वो सीट बुक आप कर सकते हो। अब जब एग्जाम होगा तब आप एग्जाम देके अपना स्कोर सबमिट कर सकते हो। ये आपको रिलायबिलिटी गवर्नमेंट ने पिछले साल भी दी थी और इस साल भी देगी 100%, क्योंकि जो बाहर के कॉलेजेस हैं वो अपना उनके यहाँ कोर्स चालू हो चुका है, हमारे इंडिया में पैंडेमिक बढ़ने की वजह से हमारी चीज़ें थोड़ी डिले चल रही है। या लास्ट कमेंट इज प्रज्ञा फ्रॉम नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, इन्होंने हमारे फेसबुक पेज पर कमेंट किया है और इन्होंने लाइक एक कमेंट फेसबुक पे भी, इंस्टा पर भी, यूट्यूब पे भी, मतलब तीनों जगह पे इन्होंने कमेंट किया है। इफ आई एम कंप्लीटेड माय एमबीबीएस फ्रॉम रशिया, कैन आई प्रैक्टिस इन यूके और डू माय फर्दर स्टडीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्रज्ञा आपका। देखिए, बच्चों को ये क्वेरी ज़रूर रहती है कि जो टॉप कंट्रीज़ हैं लाइक यूएसए, यूके, उसका क्या प्रोसेस है एमबीबीएस के बाद, वो कैसे अपना आगे का फर्दर कोर्स वो कर सकते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है वो यूके के लिए बेसिकली। देखिए क्या है ना कि हर कंट्री का अपना एक स्ट्रक्चर है, अपना एक रूट मैप है जाने का, वहाँ पे प्रैक्टिस करने का। जैसे आप इंडिया की अगर बात करते हो तो इंडिया में आप नेक्स्ट है, पहले एफएमजीई था, अब उसके पहले एमसीआई एग्ज़ाम भी, उसको एफएमजीई को लोग बोलते थे, ऐसे नीट पीजी का एग्ज़ाम है, तो वैसे ही हर कंट्री का अपना एक स्ट्रक्चर है। ठीक है प्रज्ञा, इसमें क्या होता है बेसिकली मैं आपको बताऊँ कि आपने अगर मान लीजिए एमबीबीएस करा रशिया से, ठीक है, तो आपको वहाँ से डिग्री मिल गई, आप यूके में प्रॉपरली, मैं आपको यूके का बता रहा हूँ, यूके में आप इंटर कर सकते हो वहाँ पे ना। आई थिंक उनको एक एंट्रेंस देना पड़ेगा, एंट्रेंस नहीं, आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके अपना कोर्स परस्यू कर सकते हैं, बट आप वहाँ पे रिकॉग्निशन आपको तभी मिलेगी जब आपने वहाँ पे प्लैब आपको देना होता है। ठीक है, वो प्लैब का पेपर होता है, जस्ट लाइक प्लैब वन एंड प्लैब टू, ये दोनों पेपर आपको क्वालिफाई करने पड़ते हैं, देन आपको रिकॉग्निशन वहाँ पे मिल सकती है। आप वहाँ पे एमडीएमएस के लिए पढ़ाई करो या वहाँ पे अपना सेटल हो जाओ, तो वो डिपेंड ऑन यू। बट ये है कि हर कंट्री का अपना एक रूट मैप है। ऐसे ही अगर आप यूएस का देखोगे तो यूएस एमएलई का पैटर्न है, जो थ्री पार्ट्स में उसके एग्जाम होते हैं, फर्स्ट इज थ्योरी, सेकेंड इज क्लिनिकल नॉलेज एंड क्लिनिकल स्किल्स, एंड थर्ड इज योर अप्रेंटिसशिप, तो जो आप इंटर्नशिप होती है, तो उसके बाद आप यूके में अपना प्रॉपर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वही चीज़ यूके के साथ है, प्लैब एग्जाम है प्रज्ञा, प्लैब वन और प्लैब टू की आप प्रिपरेशन करिए, वहाँ पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और फर्दर पीजी की स्टडीज़ भी कर सकते हैं। आज हम थोड़ी सी वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रख रहे हैं क्योंकि हमारे पास और भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस थे, वो भी एक बार में हम आंसर कर देंगे अपनी चीज़ें बता के। और आप ऐसे ही हमारे यूट्यूब पे, फेसबुक पे कॉमेंट किया करिए, मतलब हम लोग करते रहेंगे ऐसे डिस्कशंस, क्योंकि वी हैव लॉट्स ऑफ कमेंट्स ऑफ योर गाइस। सो अभी इतने शॉर्ट टाइम पे इतने ही हम लोग कमेंट्स का रिप्लाई कर पाए हैं, बट विल डू नेक्स्ट, हम लोग अगली बार करेंगे। एंड आपको लाइक सर्विसेज का मैं बता देती हूँ, अफिनिटी आपको काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो हमारी सर्विसेज होती है लाइक आपका वीज़ा, आपका एडमिशन लेटर, आपका वन वे एयर टिकट, इनविटेशन लेटर, आपको सिम प्रोवाइड करना, तो ये सारी सर्विसेज आप फॉरेक्स तक का हम आपको सर्विस देते हैं। बिल्कुल, फॉरेक्स यहाँ से जाते हो, किसी पेरेंट्स को अगर ये डाउट हो रहा हो कि बच्चे यहाँ से जाने के बाद कैसे क्या, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव उनको उनके साथ जाते हैं, वहाँ पे कॉलेज की बस आती है पिक करने, कॉलेज में एडमिशन्स होते हैं, फ़ी सबमिट होती है, उनका पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, फिर हम उनको हॉस्टल तक अलॉट करवा के हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और सबसे लास्ट में आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि हमारा एक सर्विस प्रोवाइड हम करते हैं अपने अपने स्टूडेंट्स के लिए जो हमसे जुड़े होते हैं, डैट इज़ SOS सर्विस, जिसमें 24/7 हमारे पास व्हाट्सएप, ईमेल और कॉल की सुविधा है। हमारे जो बच्चे हमसे रजिस्टर, उनको किसी तरह की दिक्कत हो, जैसे कि आप वहाँ रह रहे हो तो आपके लिए लोकल गार्जियन तो हम ही हैं, क्योंकि आप उनके पेरेंट्स से पहले आप हमसे बात कर सकते हो वहाँ पे, आपको कोई आपको सब प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप पे डाल दो, मेल कर दो, विद इन 24 आवर्स रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ पे रहेंगे, बट उसके पहले आप उस चीज़ को हमारे पास SOS सर्विस पे डाल देंगे, तो विद इन 24 आवर्स आपका सारा रिजोल्यूशन हम कर देंगे। तो ये चीज़ होता है, ये चीज़ हमने नई इंट्रोड्यूस करी है इंडिया में पहली बार हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो हमसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा,
सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड कमेंट एज मच एज पॉसिबल. बिल्कुल बिल्कुल. एंड अभी और भी कोई लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, आपके माइंड में भी कोई कमेंट आ रहा है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं अपनी क्वेरीज हम लोगों को, लाइक फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पर. सारी डिटेल्स आपको नीचे देगी, या फेसबुक इंस्टाग्राम सबका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो जाके आप फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पेज पे भी, और अपने जो भी क्वेरीज हैं, आप टोल फ्री नंबर है हमारा, उस पर हमारे काउंसलर से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. और ऐसी शॉर्ट वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे. बिल्कुल. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू.